हेलो दोस्तों, तो आज जो हमारे चैनल में आने वाली है वो आने वाली है एकता कपूर। सोचो, पहली बार मतलब मैं किसी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ और वो लेने वाली हूँ एकता कपूर का। जी हाँ, एकता कपूर आने वाली है और आज एकता कपूर से कई सवाल जवाब पूछने वाली हूँ, क्योंकि ऑडियंस ने ये सवाल रखे हैं और हम आज पूछने वाले हैं एकता कपूर से ये सवाल। कैसी जी, बताइए। स्वागत करते हैं एकता कपूर का। मैम आज ही आ गए। तालियां। एकता कपूर के लिए तालियां। गॉड, कुर्सी साफ नहीं, आपकी कुर्सी कितनी टूटी हुई है। मैम माफी चाहते हैं, मेरा बजट इतना है नहीं, तो इसलिए। तो मैम आज आप हमारे शो में आपको आके आपको कैसा लग रहा है? अभी तो आई हूँ, थोड़ा टाइम तो दो यार। अच्छा, तो मैम आप कुछ लेंगी? क्या देंगे यार, चलो हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैम छोड़ो इनको, क्या ही खिलाना पिलाना। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्हें तकलीफों नाल डील करना होता है। खैर छोड़ो, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैम अब हम आपसे कंटिन्यू, क्योंकि ये जनता के सवाल है, तो हम आपसे कई सवाल पूछने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उनके जवाब देने के लिए? सुंदर मेकअप करके आई हूँ, पर आपका ये जो कैमरा स्टैंड है वो मेरी सुंदरता को खत्म कर रहा है। ओह माय गॉड, मैम माफी चाहते हैं। आप आज शायद नहा के नहीं आई हैं, इसलिए मैंने छुपाना जाहिर समझा इसको। तो लाखों के कपड़े परफ्यूम लगाती हूँ। अच्छा, लाखों के कपड़े और परफ्यूम लगाते हो आप, वो तो दिख रहा है मैम। आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो सीरियल्स हैं, उनको देख के लग रहा है। तो मैम क्योंकि हमारे पास जनता के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं आपसे उनको पूछना चाहूँगी, तो क्या आप उनका सही सही जवाब देंगे, घुमा फिरा के ना देंगे, जिस तरीके से आप सीरियलों को घुमाते फिराते हो? ठीक है मैम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या आप खाना खा के नहीं आए हो? ये एकता कपूर मैम है, इनकी आवाज़ आज बहुत कम आ रही है। मैम कह रही है कि उनका फास्ट है, क्योंकि उनका एक और शो आने वाला है, तो इसलिए। मैं कितना मानती हूँ। ओके 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 ओके। तो मैम जनता का सवाल है कि आपको टीवी सीरियल बनाने की प्रेरणा किससे मिली? एक्चुअली ना मुझे ना लोगों की जिंदगी में जहर घोलना, जब मैंने अपनी दीवार पर छिपकली देखी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा ये छिपकली लोगों की खीर में होनी चाहिए। घर में इधर उधर लड़ते हुए, बर्तन टूटते हुए देखा, तो मुझे लगा ये सबके घर में होता है, तो क्यों ना छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर जाए। मतलब मेरे को ना शुरू से ना आतंक कलेश मचाने का बड़ा शौक रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो रियल जिंदगी है लोगों की, सास बहु साजिश का जो आपका ये है पैंतरा, वो आप रियल जिंदगी में लोगों के आजमाना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरियल को देख के मोस्टली लोगों के घर में ऐसा हुआ जा रहा है। अहम जी, मैं भी मायके जाना चाहती हूँ। तुम क्या कह रहे हो गोपी? माँ को पता चलेगा तो बुरा मान जाएंगी। सास बहू को अच्छी नहीं लगती है, बहू को सास भाती नहीं है। देखिए, ये मान सकती हूँ मैं कि अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ। ये सब पहले से ही हो रहा था। ओके ओके, अब ज्यादा हो रहा है। आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा मिली है आपके सीरियल से। यस। मेरा नाम ही, मेरे सीरियल आप मिली है कसौटी जिंदगी से प्रेरणा के, वो मैंने ही तो रखा है, इस बेसिस पे ही प्रेरणा रखा था मैं। ओके तो आपने सुना, इस बेस पे प्रेरणा रखा था। तो ये दूसरा सवाल अब जनता का है मैम। मैम जनता ने कहा है कि नागिन के और कितने पार्ट आएंगे, ये भी पूछने वाली बात और है। उसमें क्या नया करोगे आप? देखिए, पार्ट का तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज मुझे ना अभी टाइम नहीं मिल रहा है। पार्ट कितने भी आ सकते हैं, अनलिमिटेड, लाइक जियो डाटा। ओके, तो मैम आपने इस बार जब गए थे, तो मैंने देखा कि आप बिग बॉस में गए थे, तो क्योंकि बिग बॉस में तेजस्वी आई थी, तो आपने तेजस्वी को नागिन में लॉन्च किया, क्या सोच के आपने उसको लॉन्च किया? मेरी आंखों में एक मोस्ट अमेजिंग प्रोड्यूसर ऑन द प्लेनेट है नागिन को देखने का और सूंघने का। क्या आप नागिन हो? क्या आपके अंदर कोई जहरीला पदार्थ है? आप कह रहे हो कि आपने सूंघा, सूंघने का क्या मतलब है आपका? सूंघने का मतलब देख रहे हो ना,
लगातार सीजन से एक ही नागिन कितना राज है, ये तेजस्वी प्रकाश को मेरे सूखने का ही नतीजा है। ओके, तो मैम एक और सवाल कि आप इस बार जो आपकी नागिन 6 है तो उसमें हीरो तो चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी जो नागिन है तेजा वो ही क्यों रहती है? मतलब आप दूसरी नागिन भी तो ला सकते हो, क्या इसमें इतनी क्वालिटी है तेजा को ही नागिन बना के रखा है? So I'm with the most amazing producer on the planet. कि उसका नया जन्म हीरो तो बदले जा रहे हैं, लेकिन एकता कपूर मैम जो कि अपनी गर्दन हिला रही है वो बस तेजा को बदल नहीं पा रही है। तो मैम एक और सवाल है, आप कुमारी क्यों हो? क्यों बताऊं मैं? नो कॉमेंट्स, आपका काम यही रहता है। खैर छोड़ो, अब आपके पास एक और लास्ट सवाल है मैम, ठीक है? तो हमारा ये सवाल है, मेरा नहीं जनता का सवाल है, कि ये जो आप ये 10 उंगलियों में 14 अंगूठियां पहनते हो, इनका क्या राज है? आखिर आप क्यों पहनते हो? किसने कहा आपको पहनने के लिए? क्या इनमें क्या है? क्या इनके अंदर कोई शक्तियाँ हैं? मेरी मर्जी। मर्जी तो मैम गधे की होती है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली इसके ऊपर ना बहुत बड़ी और लंबी कहानी है। Okay. मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि इसकी कोई कहानी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मैम, आपके टीवी सीरियल में इतनी कहानियां रहती है और आपकी जिंदगी में कहानियां नहीं है। कुंवारेपन का और ये अंगूठियां पहनने का कोई राज ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप बताइए कि अंगूठियां जो आपने पहन रखी है वो क्यों पहन रखी है? किसी बाबा वाबा ने कहा था आपको? ओह गॉड, मेरा राज सामने आ जाएगा। किस प्रकार का राज मैम? बिचकुले ने कहा था जो बिग बॉस में आया था, या फिर कौन से बाबा थे वो? ओम बाबा जिन्होंने बिग बॉस में सुसु किया था। नहीं, मेरे स्वामी ओम का अंजा एक लड़की के ऊपर पेशाब फेंक रहा है। वो लड़की क्या परमात्मा है क्या? पिचकू बाबा है जिन्होंने मुझे देखा, जिन्होंने मुझे बताया कि आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा, तो उनकी बातों पर मैंने विश्वास किया और ये एक दिन है मेरे साथ। मैंने एक सीरियल की और मैंने एक सीरियल किया। कहानी घर घर की सुना तो होगा ना आपने? हाँ, बहुत, वो तो बहुत, वो पहली अंगूठी का नतीजा है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है कि हर अंगूठी के पीछे कोई ना कोई राज है। Yes. मतलब आपको सक्सेस मिली है तो ये अंगूठियों की वजह से आपको सक्सेस मिली है, वरना कोई आपका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको मैम? हाँ, अंगूठी का ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, अंगूठियों की वजह से आपके सीरियल है जो वो सब जा रहे हैं, आपका कोई मतलब वो ही नहीं है क्या? एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ, आई रियली बिलीव इट। और मेरा ये मानना भी है कि कुछ काम करने से पहले, शुरू करने से पहले पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए। मैं तो मुहूर्त भी पंडित जी से 4 साल पहले निकलवा लेती हूँ। अच्छा, अपनी जिंदगी में तो आप पूजा पाठ करते हो, लोगों की जिंदगी जो आपने हेल कर रखी है उसका क्या करो, क्या कहना चाहोगी आप उस पर? नो कमेंट मैम। अच्छा मैम, मेरा एक ये मेरा खुद का सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आप पूजा पाठ में बिलीव करती हो, तो मैम जिस तरीके से आप घटिया वेब सीरीज लाते हो, गजब बेइज्जती है। घटिया ही कहूंगी मैं, क्योंकि उनमें जो आप जितनी गंदगी दिखाते हो तो उसका क्या? क्यों है ये सब कर, मतलब ऐसे कंटेंट क्यों लेके आते हो? क्या आपके पास कंटेंट की कमी है, राइटरों की कमी है? बस ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर मुझे ठीक दीजिएगा। आपकी उम्र चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। मेरी उम्र तो 28 है और मुझे ऐसे कुछ शौक नहीं है जिस तरीके से आप दिखाते हो। आपको ये ख्याल आया होगा? नहीं, आज तक नहीं। आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, ऐसे आंसर नहीं दे सकते हमारे चैनल पे, क्योंकि ये चैनल पूरी दुनिया देखेगी। तो आप कुछ और जवाब दीजिए। तो ठीक है, मैं इसका सीधा जवाब दूंगी ये कि मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा और जो मुझे सही लगेगा। हाँ, तो ये इसका मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई, मेरी जवाब को अर्जी ही नहीं आती, मेरी मर्जी है। मैम का इंटरव्यू खत्म होता है और एकता मैम ने काफी अच्छे सवाल दिए, और ऐसे ही सेलिब्रिटी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।